कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा है एक्चुअली में, रेड ब्लैक एंड सिल्वर अच्छा लग रहा है देखने में। वो लगा भाई मुझे कह रहा है ये आदमी। ओ भाई तो हेलो दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो अभी एक्चुअली में मैं लोहिया पार्क है, राम मनोहर लोहिया पार्क, उसमें मैं आया हुआ हूँ। रुको मैं एक बार आप लोग को बाहर से दिखा देता हूँ कैसा है। और ये शायद गेट नंबर 2 है इसका, एक गेट है, मैंने आपको ध्यान होगा मैंने वहाँ से बनाई थी वीडियो अम्बेडकर पार्क से, एक उसके जस्ट सामने से एक एंट्री है, ये देखो ये है, यहाँ से अपनी एंट्री होती है, यहाँ पर मिलता है अपना टिकट विकेट मिलता है। और इस पार्क में ये खासियत क्या है, ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत ही अच्छा लगता है एनवायरनमेंट, काफ़ी ज़्यादा शांत और क्लीन एनवायरनमेंट है। और मैं आप लोगों को सीधा टिकट लेके अंदर चल के दिखाता हूँ क्या है, कैसी है यहाँ पे चीज़ें। और अंदर बच्चों के लिए खेलने के लिए काफ़ी कुछ है, और जॉगिंग ट्रैक्स हैं, और क्या कहते हैं अपना ओपन जिम है, सब कुछ है। तो आपको वहीं पर चल के मैं दिखाता हूँ। तो यार अभी अंदर आ चुका हूँ मैं, और एक बहुत ही बड़ा सा एक क्लॉक टावर जैसे देख सकते हो, और अभी इसमें टाइम इसमें बहुत ही गलत बता रहा है, इसमें अभी 3 बज रहे हैं, और 3 किसी हालत में नहीं बज रहे हैं अभी बज रहे हैं 11। और यहाँ पे देखिए एक पूरा बैठने के लिए एरिया पूरा ये बनाया हुआ है। एक बार मैं रुको यहाँ पर चल के एक बार आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये भी, ये देखो क्या मस्त, मतलब एक प्रॉपर एक स्टेज जैसा इन्होंने दे रखा है, और यहाँ पे अपना आप बैठो, पूरे एरिया में बैठ सकते हो। और भाई यहाँ पे ग्रीनरी आप लोग देखो एक बार कितनी ज़्यादा है, ये देखो भाई साहब। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, ये पूरे के पूरे पार्क में ऐसे के ऐसे ही है। और देखो यहाँ पे देखो, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे प्लांट्स हैं, ये देखो। और यहाँ पे लोग अपना वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखते चलूँगा इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि मैंने आप लोग यहाँ पे ओपन जिम बताया और जॉगिंग ट्रैक्स बताए, ये सब कुछ जो जो चीज़ें मैंने सब कुछ आपको बताया है। और यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक जो है वो सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक है, शायद उसका नाम सही ले रहा हूँ, सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक्स हैं यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा है यार, मैं क्या क्या चीज़ें बताऊँ, सब कुछ ही अच्छा है यहाँ पे। तो चलिए मैं भी देखता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ साथ साथ, लेट्स गो। तो यार ये है सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। इसमें क्या एक्चुअली में सबसे पहली चीज़ तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरा इसमें थोड़ा आपको रनिंग करने में बहुत ही आसान रहता है और बहुत ही मज़ा आता है। और इसमें यार अगर आप गिरोगे भी ना तो आपको चोट नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा, ये मतलब ट्रैक एक जगह पे कहीं पे टूटा हुआ है, मतलब वहाँ से ख़राब हो रखा है, तो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। एक जैसे समझ लीजिए एक मैट जैसी पूरे में है, और ये बहुत ही सॉफ्ट सी होती है, और ये आपको बिल्कुल भी वो नहीं करती है। ये भाई स्पेशली जॉगिंग के लिए है अपना, और आपको वॉकिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि जॉगिंग के लिए आप यहाँ पर वॉक भी कर सकते हो, बाकी एक यहाँ पर भी वॉकिंग के लिए दिया हुआ है। और ऐसे पूरे में ऐसे ऐसे पूरा बना के रखा है, छोटे छोटे हिल्स तो नहीं कहेंगे पर छोटे छोटे हिल्स टाइप के बना के रखे हैं पूरे के इसमें, पूरे के पूरे पार्क में। और पॉन्ड भी हैं छोटे छोटे जहाँ पे इन लोगों ने फिशेस रखी हैं, डक्स रखी हैं। तो देखते हैं जो जो मेरे को दिखता जाएगा मैं सब आप लोगों को दिखाते चलता हूँ। और बाकी यार मौसम देखो यार कितना बढ़िया हो रखा है यार, झेल नहीं पाएगा मौसम, बहुत बढ़िया है यार। सामने भी कुछ है, एक बहुत ही अच्छी सी चीज़, मतलब मेरे को देखने में अच्छी लग रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी, एक बार मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ। और थोड़ा बहुत काम वाम भी यहाँ पे चलता ही रहता है हमेशा, जैसे अभी ऐसे सामने घास में घास की कटाई वटाई वो लोग कर रहे हैं वहाँ पे, ये देखो यार, मतलब भाई लगता है एकदम आपको कहीं बाहर आ गए हो भाई, इतनी बढ़िया जगह है ये। आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई लग रहा है कहीं से कि आप सिटी के बीच में हो कहीं पे, भाई लगता है आप लोग कहीं और ही अलग ही चले जगह चले गए घूमने के लिए, इतनी बढ़िया जगह बना रखी है। और जैसे कि ये देखो
ये यहाँ पे इन लोगों ने बैठने के लिए जगह दे रखी है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं इसी तरह करके पूरे के पूरे, और कैंटीन एरिया भी है यहाँ पे। चलिए जो जैसा भी होगा सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाते हुए चलूँगा। तो यार अभी घूमते घूमते ये पूरा अभी उधर से पूरा घूमते हुए मैं आया हूँ, और मैंने यार यहाँ पे जैसे कि ये जस्ट सामने जैसे कि आप ये पिलर्स देख रहे हो, ये पिलर्स इसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये वाले पिलर में राज नारायण जी थे कोई, शायद उनके बारे में लिखा हुआ है पूरा। और ये जो आप पीछे देख सकते हैं, ये जो पीछे पूरा का पूरा ये जो पूरा एरिया बनाया हुआ है यहाँ पे जो राम मनोहर लोहिया जी थे उनकी कही हुई कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए जैसे ये हो गया, ऐसे ऐसे करके ये पूरा इन्होंने एक अलग से एरिया बना के रखा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो जो चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें जो उनका मानना था जो उनका कहना था वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की संदेश, ठीक है। और ये वाले पिलर्स भी पूरे के पूरे इसमें जैसे वहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं पूरे उसको कवर नहीं कर रखा, पर काफ़ी जगह तक इसने कवर कर रखा है इन पिलर्स ने। और ये यार पूरा देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब यार मेरे को तो यार बहुत ही बढ़िया जगह लगी, और यही मेरे को एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी जो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूं। पर और भी जो इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दो गिनी चुनी चीज़ें हैं, यहाँ पे यार पूरा का पूरा पार्क ही बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, हर चीज़ दिखाने वाली है। तो जो जो भी जैसा जैसा भी मैं देखते चलूँगा सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाते हुए चलूँगा। और कुछ खा लेते हैं भाई, यार भूख लगने लग गई मेरे को। तो यार घूमते घूमते मैं इधर आ गया, ये भी एक मतलब एंड है इधर का लोहिया पार्क का। यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली मैं डग्स दिखाने आया था, पर ये एक ट्रेन का इंजन भी दिख गया तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। और देखने में तो यार अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एक्चुअली में, रेड ब्लैक एंड सिल्वर अच्छा लग रहा है देखने में। और बाकी एक एंट्री यहाँ से है ये देखो, और जो डक्स वक्स मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा था वो मेरे जस्ट सामने ही है, तो मैं एक बार वहाँ पे जाता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोगों को थोड़ी बहुत आवाज़ें भी आ रही होंगी डक्स की। ये देखिए जो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, ये डक्स ही हैं। सीधा डक्स के पास पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको लोहिया पार्क की डक्स। ये देखिए भाई साहब, इधर देखिए कितनी सारी बैठी हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारी बैठी हुई हैं, यहाँ पे देखिए कितनी सारी बैठी हैं, ये पूरे पूरे में बैठी हुई हैं। और यहाँ पे आगे की तरफ इन लोगों का कुछ वाटर वाला एरिया है, उसमें ये लोग अपना नहाती वहाती हैं, एंजॉय करते हैं उसी में। ये देखो यार, यही थी यहाँ की कुछ डक्स, और थोड़ी स्मेल सी आ रही है बहुत ही गंदी सी, तो अभी मैं यहाँ से क्या जल्दी से निकल चलता हूँ। और वैसे तो इसमें बस इतना ही रहेगा, अगर कुछ और देखने लायक रहेगा और पार्क में कुछ और मुझे आपको अगर दिखाना रह गया होगा मैं आपके सामने अगर आ जाएगा तो मैं उसको ज़रूर आप लोगों को दिखा दूँगा, और देखते हैं। तो यार ये लास्ट चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, और ये है हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, आप इन सब उनको देख सकते हैं। और पता नहीं इस पर शायद ऊपर नहीं चढ़ने देते होंगे, सॉरी हाँ अब से शायद ऊपर ना चढ़ने देते हों, पर स्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा, स्टैचू भी काफ़ी अच्छा बना के रखा है, पीछे का जो इन्होंने बैकग्राउंड इसका बना के रखा वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। और
अच्छा लग रहा है, पता नहीं ऊपर जाने दें ना जाने दें, चलते हैं देखते हैं जो करें। ये देखो वाइड एंगल पे मैंने कर लिया, स्विच कर लिया अपना कैमरा। भाई साहब मेरे को लगा भाई मुझे कह रहा है ये आदमी। ओ भाई बढ़िया है, देखो एक्चुअली में बहुत ही बड़ा यार ये तो। और कुछ भी देखते हैं, अगर कुछ मिल जाएगा दिखाने के लिए आप लोगों को दिखा दूंगा। बाकी अभी तक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यार, ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे बोरियत लग रही हो या कुछ भी, मज़ा तो मुझे आया। आई होप आप लोग भी अच्छा लग रहा होगा यार। सब्सक्राइब कर लेना यार यहाँ तक देख रहे हो यार वीडियो को अगर, और लाइक भी कर लेना, और दोस्तों के साथ अगर हमें शेयर भी करो यार, और यार थोड़ा सपोर्ट करो यार जिससे थोड़ा मैं ग्रो कर सकूँ, और तभी ग्रो करूँगा तभी आप लोगों को अपने साथ घुमा पाऊँगा। और हाँ, इसके पहले मैंने कुछ दो सीरीज़ कंप्लीट करी है, जिसमें से एक बनारस की सीरीज़ थी, एक थी वडोदरा की सीरीज़। तो आप लोग उस सीरीज़ को पक्का देखिएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो ये वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।